सो कैसे हैं आप सब। मैं हूं लोकेश, आप देख रहे हो इट्स लोकेश। एंड अभी मैं निकल गया हूं मेरे कॉलेज के लिए। आज मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कॉलेज में लैपटॉप लेके जाना था फर्स्ट डे, बट जो मैंने लैपटॉप ऑर्डर किया है वो फ़िलहाल अभी टाइम लेगा 19 तक। सो या तब तक मुझे कुछ और देखना पड़ेगा, या तो मैं कॉलेज से बोरो कर लूँगा लैपटॉप, या फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि सब लैब में नहीं चाहिए होता है। शायद तो किसी में चाहिए होता है, शायद किसी में नहीं चाहिए होता है, तो चेक करेंगे कि बोरो करना है या नहीं करना है। बाकी यहाँ से बस स्टैंड जाना ही पड़ेगा, देन वहाँ से जाके बैठ सकते हैं। यहाँ से बस स्टैंड चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मेरी बस आएगी अभी 15 मिनट्स में, जो कि यहाँ से मुझे कॉनेस्टोगा लेके जाएगी। तो मेरा कॉलेज है डून, कॉनेस्टोगा डून में। एंड ये जो डून कैंपस है वो मेन कैंपस है कॉनेस्टोगा का। सो या आपको उसके बारे में बताऊंगा, किसी दिन उसका टूर भी कराऊंगा। फ़िलहाल तो अभी चलते हैं अपने बस स्टैंड तक। मैं है कॉलेज एंड अभी मैं जा रहा हूँ ATS बिल्डिंग में, जो कि ATS बिल्डिंग आई थिंक यहाँ से थोड़ी सी दूर है, 200 मीटर समथिंग काइंड। तो वहाँ तक जाएंगे, फिर देखते हैं अपनी बिल्डिंग को एक बार। ये कॉलेज की पार्किंग है एंड अभी मेरे को मेरी बिल्डिंग ढूंढनी है, जो कि उस साइड में आगे की तरफ कहीं पे होगी ATS। तो फर्स्ट क्लास मेरी आज है ड्राइंग की, तो अभी उस क्लास में जाएंगे। टाइम अभी बाकी है, लगभग आधा घंटा बाकी है पूरा, तो 30-40 मिनट बाकी है, फिर देखते हैं। अभी तो ATS ढूंढना है मुझे पहले तो। सो या पार्किंग तो बहुत सारी है कॉनेस्टोगा में, और इनका पार्किंग प्लान भी है कुछ, तो वो भी चेक करेंगे। लॉकर का तो आज मैंने किया था, बट मेरा अभी मुझे अलॉट नहीं हुआ है, मेरा फ्रेंड का हो गया है। देखते हैं अभी वो प्रोसेस भी आपको मैं समझाऊंगा पूरा। तो फिलहाल तो ATS को ढूंढते हैं। आना है तो आप डायरेक्ट ATS में यहाँ से आ सकते हो। देखो वो रिक्रिएशन सेंटर है, एंड यहाँ से सीधा आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड ये अपन को इस टाइप के लॉकर्स मिलेंगे। सो ऐसे रूम होते हैं, अगर आपको ढूंढना है तो आप आराम से आओ, और रूम्स के ऊपर लिखा हुआ होगा उनका नंबर, जैसे कि ये 212, 14, 11। सो ऐसा है सारा मामला। सो या कैन चेक इट आउट। होपफुली आपको मेरा चेहरा दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि लाइट्स यहाँ पे नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं है। आपको बस स्टैंड का ये भी नहीं दिख रहा होगा, वेल इस पे लिखा है 22, 26 एंड 23। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मुझे ब्लॉक लाइन स्टेशन पे उतरना था, उस स्टेशन पे वहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी बस के अंदर कॉनेस्टोगा की। कॉनेस्टोगा की नहीं, GRT में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक्चुअली कॉनेस्टोगा से आने वाली हर बस के अंदर बहुत भीड़ होती है, इंडिया की तरह। जो मेरा फर्स्ट डे था आज कॉलेज में, तो अभी फ़िलहाल मैं मेरी बस का वेट कर रहा हूँ 22 का, जो कि 29 पे आने वाली है, मतलब 15 मिनट के अंदर, और फिर मैं उसमें बैठ के अपने घर निकल जाऊँगा यहाँ से। तो ऐसा कुछ व्यू हो रखा है, रात का टाइम में कोई स्नोफॉल नहीं होने वाला है अभी तो। एक चीज़ है जो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए, वो है कि कभी भी आप निकलो कैनेडा में बाहर, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ चेक कर लेनी चाहिए, वो है ये कि वेदर कंडीशन कैसी है, फील्स लाइक कैसा है। वो बताएगा टेम्परेचर आपको -1, -2, बट आप फील्स लाइक चेक करो तो वो -6, -7 होता है, उस हिसाब से आप रेडी होके जाओ। ये बहुत ज़रूरी है। आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, तो बाकी बातें अपन आगे चल के करते हैं। अभी बस आएगी, उसमें बैठेंगे, देन निकल जाएंगे अपने घर के लिए। फिर 800 मीटर की वॉक है, तो वहाँ पे अपन बात करेंगे आराम से। तो या तो बस से उतर के अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। एंड आज के दिन के लिए इतना ही है, क्योंकि आज इतना ही किया, और दिन में मैं गया था आज, थोड़ा सा काम था उसके लिए। तो या अभी वापस से उसी रूट पे अपन वापस जा रहे हैं, वापस से ये गाड़ी। और या सो इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब तो बनता है यार। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।